आम आदमी पार्टी आएगी। कौन सी पार्टी जीतने वाली है इस बार? आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। आपका वोट कहाँ जाएगा? आम आदमी पार्टी के जाएंगे। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी आने वाली है? बीजेपी आनी चाहिए। अब की बार कांग्रेस आनी चाहिए। मोदी की पार्टी चल रही है, अभी तो मोदी का ही आएगा ना। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह, दिल्ली समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा वार्ड नंबर 1 में, जहाँ पर हम सीधी जनता की राय जानेंगे कि वो इस बार किसे जीत का ताज पहनाने वाले हैं, अपने कीमती वोट देकर किसे जिताने वाले हैं। राजवीर हूँ। क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आने वाली है? पार्टी आम आदमी पार्टी आएगी। आपका वोट किसके पास जाएगा? और दिनेश भाई के पास, आम आदमी पार्टी। साफ सफाई कूड़े कहाँ ले जाएंगे दिल्ली वाले, ये बताओ। इतना कूड़ा है और स्टेट वाले ले जाएंगे, गिरने देंगे अपने आप? कोई नहीं, ये सफाई तो होगी नहीं। आपको क्या लगता है इस बार एमसीडी में कौन आने वाला है, क्योंकि एमसीडी में पिछले 5 सालों से भाजपा पार्टी है, तो साफ सफाई को लेकर एक सब लोग कह रहे हैं कि साफ सफाई नहीं हो रहा है दिल्ली में, तो उस पर आप क्या? आम आदमी पार्टी आएगी। मेरा नाम हुआ फूल बाबू। किसे वोट देने वाले? हम लोग देंगे झाड़ू छाप को वोट। जी, वजह क्यों? झाड़ू छाप निकलने वाले हैं आगे, पूरे पब्लिक। ऐसा है, बीजेपी आएगा तो रेल पटरी हटाने की चांस कह रहा है, लेकिन जो झाड़ू वाला आएगा तो थोड़ा रेल पटरी के रहने की चांस। हाँ, झाड़ू छाप में हम लोग वोट देने वाले हैं, झाड़ू छाप जीतेंगे पूरे। हम लोग झाड़ू छाप को देंगे, सारे पब्लिक झाड़ू छाप को देंगे वोट, वही जीतने वाले आगे हैं। वही झाड़ू छाप आने वाली है। जी, झाड़ू नहीं, झाड़ू छाप बहुत बढ़िया काम करते हैं, सब चीज़ को देखते हैं झाड़ू छाप वाले। जी, रामकिशन शर्मा। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी आने वाली है? बीजेपी आनी चाहिए जी। आपका वोट बीजेपी को जाएगा? जी। तो अभी जो इतने सालों से बीजेपी ही एमसीडी में है, तो हाँ, साफ सफाई जो है वो लोग कह रहे हैं कि साफ सफाई नहीं हो रहा है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, साफ सफाई हो रहा है, कौन कह रहा है नहीं हो रहा? हाँ, बिल्कुल साफ सफाई हो रहा है। ये आज से नहीं, ये तो ये जो कचड़े का ढेर जो बता रहे हैं, ये तो आज से थोड़ी है, ये तो 70 साल से है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी ही जीतने वाली है। नहीं, अब कहाँ, आम आदमी ने बीजेपी आएगी जी। अब गीता, अब की बार कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? हाँ, कांग्रेस। फिलहाल जो है तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि कांग्रेस ही आएगी तो काम करेगी? हमारा वोट दिए, पहले भी उन्होंने किया था गरीबों के लिए। हाँ, तो आपको क्या लगता है केजरीवाल और भाजपा पार्टी काम नहीं करती? करते तो हैं, लेकिन सब करते हैं काम तो, लेकिन ये है कि पहले भी जीतते, अब की बार ये जीत जाएंगे, करते तो सभी है काम। आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ही आनी चाहिए? हाँ, अब की बार। रमेश चंद नाम है। किसे वोट दे रहे हैं? वो झाड़ू घुमाएंगे हम तो। अच्छा, क्यों? बढ़िया आदमी है, अच्छे सच्चाई से बोलता है, जीतेगी तो आम आदमी पार्टी। कोई कितना जोर लगाए? नाम बताइए। मूर्ति। इस बार किसे वोट देने वाले हो आप? केजरीवाल को। अच्छा, हमारे यंग का सारा काम वही कर रहा केजरीवाल, और कौन करके दिखा रहा हमें यहाँ जी। तो आपके हिसाब से केजरीवाल ही आएंगे? हाँ जी, केजरीवाल को देंगे हम वोट। इस बार एमसीडी में आपको क्या लगता है कौन आने वाला है एमसीडी में? क्योंकि केजरीवाल आज हमारे दल है, हमें क्या जो हमारे हमको साफ सफाई हो जाए। आपको क्या लगता है केजरीवाल आएंगे तो साफ सफाई होगी? होगी, और क्या। सिकंदर कुमार। आप किसे वोट देने वाले इस बार? हम तो बीजेपी को ही देते हैं जी। वजह यही है कि अच्छा विकास कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हमारे अपने बारे में नहीं सोचना, देश के बारे में सोचना है, देश के लिए अच्छा काम करता है, सब अच्छा करता है, तो बीजेपी को ही देते हैं हम लोग तो। नहीं जी, मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए और बीजेपी ही आएगा। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार होती है, बढ़िया काम होता है। कल किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को यूँ ही दे रहे हैं। एमसीडी में इस बार जो कूड़े को लेके विशेष मुद्दा बना हुआ है, उस पर आप क्या कहोगे? काम तो सारे कर रहा है, कूड़ा तो पहले थे ही, अब थोड़ी अब शुरू थे ही कूड़ा, पहाड़ वाले में अब कोई नया थोड़ी है। ललिता। क्या लगता है आपको इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी आने वाली है? सत्ता में तो ये मोदी की पार्टी चल रही है, अभी तो मोदी का ही आएगा ना। आप किसको वोट देंगे? हम तो मोदी को वोट देंगे, हम तो उन्हें का देख के आ रहे हैं। आपके हिसाब से वो काम करते हैं? हाँ, जब से मोदी आया तब से तो काम तो अच्छा ही है। तो ये जो महंगाई है,
तो ये मोदी आने के बाद तो थोड़ा कम होगा, अभी तो महंगाई तो बढ़ रही है सब कई। तो साफ सफाई भी तो है जो कि पिछले एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी है, तो वो लोग कह रहे हैं कि वो साफ सफाई नहीं करवाते, उसको क्या कहोगे? साफ सफाई तो देखो ये कम ही करते हैं कि ये केजरीवाल सैलरी तनख्वाह तो सैलरी तो दे नहीं रहे हैं, 6-6 महीने का एक एक साल का सैलरी रुक जाता है, ना तो ये बड़े बूढ़ों को पिंशन बनाता है ना कुछ कर रहा है, ये केजरीवाल तो कुछ नहीं कर रहा। ये जो झाड़ू पोछ झाड़ू कह रहे हैं आंटी कि केजरीवाल ही आएंगे इस बार, नहीं आएगा आपके हाँ मेरे हिसाब तो ना नहीं आएगा, उसका घोटाला बहुत है और कल भी पकड़ा गया है ये उनका वो घोटाला करने वाला, तो ये ज़्यादा तो घोटाला ही हो रहा तो कैसे आएगा वो, अब देने वाले चलो देगा वोट जो उठ रहा है तो देने वाला रहेगा। कौन सी पार्टी आने वाली है? भाजपा। तो इस बार जो एमसीडी में है पिछले 5 सालों से भाजपा ही है, तो साफ सफाई एक विशेष मुद्दा बना हुआ है कि बीजेपी काम नहीं करवा रही है, उस पर क्या कहोगे? काम सभी ऐसा होता है जी, हम भी 70 साल के हो लिए सारे देश में ऐसा ही काम हो रहा है, कोई काम नहीं करता, सब अपने स्वार्थ के लिए हैं और होता है, और भाजपा आनी चाहिए और भाजपा होनी भी चाहिए। क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? भाजपा जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी आने के बाद काम ही करेगी, क्योंकि कोई भी पार्टी सत्ता में आने से पहले बहुत सारे वादे करती है लेकिन आने के बाद वो वादे पूरे नहीं करती? ना वो काम करने वाला बंदा है, वो काम करेगा, अच्छा काम करेगा। साफ सफाई एमसीडी में क्या लगता है आपको इस बार कौन सा? बहुत ज़्यादा गंदगी है, आम आदमी पार्टी ही करेंगे वो काम, अच्छी से अच्छी काम। जैसा कि आपने देखा कि जनता की क्या राय है, किसी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, तो कोई चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आनी चाहिए। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। इसी के साथ देखते रहिए दिल्ली समाचार टीवी, मैं ज्योति सिंह सहयोगी हेमंत के साथ।